नोट में लपेटें ये वस्तु, इतना धन आएगा कि दिवाली पे सब कुछ खरीद पाओगे। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो वर्ष में एक बार ही आता है और दिवाली की रौनक बनी रहनी चाहिए। दिवाली की रौनक का बंदोबस्त हमने कर दिया है आपके लिए। ये वीडियो ध्यान से देखना और सीखना कि आपको नोट में ऐसा क्या लपेटना है कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपको मनमाना पैसा आएगा और मन नहीं मारना पड़ेगा किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए। जो जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो आपकी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज का वीडियो बहुत ख़ास है, जो नहीं देखेगा पछताएगा, ऐसा ही बोलूँगी। जो देखता है वो तो पाता ही है। तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे ऑफ़र के तहत दो ही लोग बाकी हैं, तो दो ही लोगों को परामर्श दिया जाएगा। 98 क्वायरीज हमारे पास आ चुकी है, पूरा बुक हो चुका है। हमने घोषणा की थी कि 100 लोगों को ही परामर्श दिया जाएगा, तो दो लोग बाकी हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, अगर आप हमसे संपर्क करते हैं ईमेल आईडी के थ्रू जो डॉक्टर उमा श्री चैनल में दी हुई है। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बातचीत को और प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। मित्रों, 1 नवंबर 2024 के दिन दिवाली है। दिवाली स्वयं सिद्ध अबूज मुहूर्त होता है और दिवाली के मुहूर्त पे भी हम शीघ्र ही एक वीडियो बनाएंगे। तो कम ही समय रह गया है और आप ये उपाय करके लाभान्वित हो सकते हैं। इस उपाय को आपको प्रत्येक शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को ना कर सकें तो आप ऐसे मौके पे करें आपका चंद्रमा उस दिन बढ़िया हो, तो चंद्र बल देखकर ही ये काम करें तो फलीभूत होता है। चंद्रमा मन का कारक है और पैसे का भी कारक है। चंद्रमा अच्छा होता है तो आपका ध्यान पैसे कमाने में लगता है, पैसे के उपाय में लगता है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। 1 नवंबर 2024 को दिवाली है, जो स्वयं सिद्ध अबूज मुहूर्त है। अमावस्या का दिन शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अमावस्या के दिन दिवाली आना बहुत शुभ होता है और उस दिन नए कपड़े भी खरीदे जाते हैं। नॉर्मली अमावस्या पे हम कुछ भी नहीं खरीदते हैं, पैसे से कुछ भी चीज़ नहीं खरीदते हैं, लेकिन दिवाली ऐसा त्यौहार है, इस दिन कपड़े की खरीदारी होती है, जेवर की खरीदारी होती है। और अमावस्या वैसे तो माता लक्ष्मी का दिन होता है, लेकिन पितरों का भी दिन होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक अमावस्या पे खरीदारी ना करें, लेकिन दिवाली वाली अमावस्या पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मित्रों, नोट के अंदर कुछ चीज़ें लपेटने से आपका भाग्योदय होता है। नोट के अंदर अगर आप साबुत दालचीनी रखते हैं, जिसको सिनेमन स्टिक भी बोलते हैं, उसको रखते हैं, तो ज़बरदस्त आपके जीवन में दिवाली तक इतना पैसा आ जाता है कि इसकी कोई होड़ ही नहीं है। आप जिस चीज़ पर हाथ रखते हो वो चीज़ आपकी हो जाती है। चीज़ जायज होनी चाहिए। अदरक या जिंजर का बहुत महत्व है। सौंठ का एक टुकड़ा नोट में लपेट के रखते हैं। रखना कहाँ है आपको? पूजा स्थान में रखना है। कोई भी एक चीज़ वस्तु रखें, जो हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, तो हमने दालचीनी आपको बताया, सौंठ की साबुत डली रख सकते हैं। अदरक सूख जाने पर सौंठ हो जाता है, तो आपको सौंठ रखना चाहिए। सौंठ भी धन प्रदायक होता है। पुदीने के सूखे पत्ते भी आप नोट पे लपेट के रख सकते हैं, आपको अत्यंत फ़ायदा होगा और दिवाली तक आपके धन का इतना बंदोबस्त हो जाएगा, आप कुछ भी खरीद पाएंगे। थैंक यू सो मच।